सो दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स यूज करते होंगे तो आप लोगों ने इस टाइप का वीडियोस जरूर देखा होगा। सो गाइस, अभी के टाइम पे ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा तेजी से वायरल चल रहा है कि जो भी इस पर वीडियो बना रहा है सभी के वीडियो लाखों में मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसा वीडियो बनाएंगे तो आपका भी हो सकता है मिलियंस में व्यूज आए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएंगे इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तरीके से, और इसमें कुछ लाइटिंग वगैरह इफेक्ट भी ऐड किया हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड इस वीडियो में तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, तो क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो फुल ट्रेल होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए अभी कभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि आज का जो वीडियो वो कैसा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अभी आपने प्रीव्यू में देखा है जो कि आपको दो तीन प्रीव्यू दिखाए गए हैं जिसमें आपको देखने मिला होगा जो कि लाइटिंग वगैरह इफेक्ट नहीं है, और एक में देखने मिला होगा लाइटिंग इफेक्ट वगैरह है जिसमें आपको बहुत ही कमाल के कुछ अलग तरीके का सेग इफेक्ट की तरह करके इसे कन्वर्ट किया गया है। तो गाइस, हम आपको बता दें कैसे आप बनाएंगे अपना फोटो लगा करके बिल्कुल वन क्लिक में, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कर लीजिए ताकि हमारी जो फैमिली है 100 के बहुत ही कंप्लीट हो पाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। ओके, सो गाइस, हम यहाँ पर अपने लाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लीजिए अपने लाइट मोशन में, एंड यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने मिल जाएगा, जरा सा मुखड़ा इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर जो आईस इसको इनेबल कर देना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर स्क्रॉल करके हम आगे जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी फोटोज़ को कुछ अटैच करना है, और यहाँ पर आप कुछ इफेक्ट लगाने हैं। सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, और यहाँ पर हम पी कार्ड्स में क्लिक करेंगे और इस फोटो को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप जिस फोटो बना चाहते हो उस फोटो को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको लास्ट तक हम इस प्रकार से मिला देते हैं। एंड गाइस, जो आपका ये डबल बीट है हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और शेप लेना है, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम इस शेप को इस प्रकार से ले लेते हैं और इसको हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये मिल जाता है। फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पर इफेक्ट पे और एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ब्लर वाले में चले जाना है। और यहाँ पर गाइस, आपको एक देखने मिल जाएगा गेशन ब्लर, इस पर क्लिक कर लेते हैं और स्टैंडर्ड पर क्लिक करके हम यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे। गाइस, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ प्रकार से इतना, ठीक है। आप यहाँ पर दे सकते हैं कुछ प्रकार से इतना ये बढ़ जाएगा। फिर हम इसी पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देख मिल जाएगा मास्क पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ तक एंड तक इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है। और गाइस, यहाँ तक इसको मिला देना है। फिर आपको गाइस थोड़ा सा आगे जाना है और यहीं पर आपको क्लिक करना है, जो आपका सर्कल वाला इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो सही दिखा दे रहा नीचे वाला 125 है तो इसको इस प्रकार से रहने देना है। फिर आपको एक प्लस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको आगे जाना है, ठीक है। और फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, तो आपको थोड़ा सा इसको जूम करना है, ठीक है। अभी मान लीजिए माइनस पे है तो इसको हम इस प्रकार सबसे पहले माइनस में ही रख इतने पे छोड़ देते हैं। फिर थोड़ा सा जो आपका बीट है इस पर क्लिक करना है, इसको इतना बढ़ाना है। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है और इसका जो ये पॉइंट है इसको हम इस प्रकार से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अभी गाइस, ये कुछ इस प्रकार से होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो जब ये प्ले होगा तो कुछ इस प्रकार से इतना होगा, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा गाइस यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रकार से यहाँ पर, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा गाइस आगे जाएंगे और यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे, इसको इतना बढ़ा देंगे कुछ प्रकार से इतना, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको नीचे कर देना है कुछ प्रकार से। फिर आपका जो ये नेक्स्ट नेट बीट है, बीट के बीच में आपको करना है, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर हम प्लस पे क्लिक करके इसको इस प्रकार से बढ़ा देंगे, हमें अभी इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है इतना। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, फिर आपको इस पर क्लिक करके इसको इतना पर माइनस कर देना है। जब ये प्ले होगा थोड़ा सा माइनस होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे जाना है और इसको इस प्रकार से आपको बढ़ा देना है। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाकर इस प्रकार से इतना आपको बढ़ा देना है। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर बीच बीच में आपको जो बीट दिखाई दे रहा है पूरा आपको इस प्रकार से एंड तक करना है, ठीक है। इतना आपको करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जूम इफेक्ट भी लगाना है और कुछ ब्लेंडिंग ऑपेसिटी वगैरह भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। अब गाइस, यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा गाइस आगे जाना है। और यहाँ पर आपको जो बीच में आपको हुआ था ना, यहाँ पर इसका थोड़ा सा आपको जूम कर देना है, ठीक है। सॉरी, आपको इस पर नहीं करना है, आपको ये प्रोसेस आपके अपने फोटो पे करना है। तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है और आपको प्लस पे यहाँ पर क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफर तीसरे वाले पे क्लिक कर देना है। फिर आपको प्लस पे क्लिक लगाना है,
थोड़ा सा आपको आगे जाना है और यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से जूम कर लेते हैं। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है माइनस। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस होगा, थोड़ा जूम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो आपका ये डबल यहाँ पर जो लाइनिंग बनी हुई है बीट वाला, इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको आगे जाना है, फिर आपको प्लस पर क्लिक करके इसको जूम कर देना है इस तरह। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, ठीक है, और प्लस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको इसको माइनस कर देना है, फिर से ये प्ले होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से जूम होगा। अब जो आपका ये प्रोसेस है पूरा, आप यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है बीट के अकॉर्डिंग लास्ट तक आपको करना है, तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि कर लेंगे। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके थोड़ा सा आपको आगे जाना है और इसको इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसको हम इस प्रकार से माइनस कर लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अभी गाइस यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट वीडियो क्लिप वगैरह ऐड करना है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके आपको डाउनलोड बटन में नीचे देखने मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस हमारा वीडियो क्लिप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मूवी टास्क पर जाना है, थर्ड वाले पर क्लिक करना है, इसको इस प्रकार से 90 डिग्री पर करके इसको घुमा देते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, लाइटर पर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्ले होगा जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। अब यहाँ पर अपना फोटो जब आप लगाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने में लगेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, इसको आपको फिर से कॉपी करके रखना है और यहाँ पर लेयर पर क्लिक, कॉपी लेयर कर लेना है, थोड़ा सा आपको आगे जाना है, लेयर पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये पेस्ट हो जाएगा, जो आपका बीट है इस पर क्लिक करके इसको कट कर देना है। अब इसन पर आपको आना है और यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक शेप लेना है, फुल स्क्रीन कर देना है इसको और यहाँ पर हम कलर पर क्लिक करेंगे, इसको ब्लैक स्क्रीन ले लेंगे, ठीक है। और ये गाइस हमारा जो रहेगा जहाँ तक ये लिरिक्स है यहाँ तक रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ तक मिला देते हैं। अब इसको हम यहाँ पर स्क्रीन कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी गाइस हम इसी पर क्लिक करके रखेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पहले नीचे ला के छोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये सबसे नीचे हो गया, ठीक है। अभी गाइस हम इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कलर इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट सर्च करना है एनर्जी के नाम से, कुछ प्रकार से मिल जाएगा और यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट इस प्रकार से एनर्जी इफेक्ट ये आ चुका, ठीक है। फिर आपको हम इसी पे क्लिक करना है, आपको गाइस यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में हम इसको कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम पहले ऑफ कर देते हैं कुछ प्रकार से ये वाला, ताकि जो इस पर अगर हम इफेक्ट वगैरह लगाएंगे तो सही से दिखे। तो हम इस पर इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, एनर्जी बीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है गाइस, ये जो आपका आपका जो ये वाला पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पर्सन, इसको हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर स्टार्टिंग पोजिशन पे आपको जाना है कुछ प्रकार से और यहाँ पर क्लिक करना है, आपको प्लस पे की के दे देना है, थोड़ा सा आपको आगे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके आपको रखना है इसको और यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको आगे तक इस प्रकार से ला के छोड़ देना है कुछ प्रकार से, आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो लास्ट आपका पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पर आपको लास्ट तक यहाँ तक आपको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये प्ले होगा तो ये कुछ इस प्रकार से आपका देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, फिर से इसी को सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है, और ये जो आपका कलर वाला है इस पर सेलेक्ट करके रखना है, इसी पर क्लिक करना है, इसको कॉपी लेयर कर लेना है, फिर इसी पर आपको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर हम इसको सबसे पहले नीचे कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसी को हम सिलेक्ट करते हैं एक टो और यहाँ पर उसी के नीचे यहाँ पर हम ला के छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसको कलर चेंज करना है तो ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इफेक्ट में और एनर्जी बीम पर क्लिक करते हैं और इसका जो कलर है हम ये रख देते हैं कुछ प्रकार से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, फिर इस पर क्लिक करके इसको हम इस प्रकार से ब्लैक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार के कलर टाइप का ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लिच वगैरह है इसको हम यहाँ पर ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार का इंटरफेस देखने मिल रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। अभी गाइस आपको यहाँ पर शैडो देना है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक शेप लेना है, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देते हैं ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी गाइस इतना आपको करने के बाद यहाँ पर आपको एक इफेक्ट करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर एड इफेक्ट पे लेना है और यहाँ पर आपको एक टेक्सचर नाम का इफेक्ट रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये जो गैसियन ब्लर है इस पर क्लिक करेंगे और स्टैंड पे क्लिक करके इसको हम बढ़ कर देंगे और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और मास्क पर क्लिक करके यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये इस प्रकार से देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है तो सेटिंग बॉक्स पर क्लिक करके इसको आप बहुत अच्छे से अपने गैलरी में